मैं ज्यादा चीजों को ऐसे रेफर करके पढ़ता, लेकिन आज मेरा मन एक टुकड़ा मिल गया। जिस तरह से अभिजीत उनकी पूरी टीम ने हमको ये ले गए, जिस जगह पर ले जाके छोड़ रहे, तो वहां पर ये तीन पंक्तियां पढ़ता हूँ कि अच्छा लगता है, रवि सुनो, अच्छा लगता है जब हम हिंदुस्तानी गीतों की उंगली थाम कर बाप दादाओं के हिंदुस्तान में लौट आते हैं और अपनी पावन संस्कृति के गंगा जल में नहा लेते हैं। ये छोटी सी तीर्थ यात्रा भी कम, क्या कम है, 3 मिनट का प्रायश्चित, 3 मिनट का प्रायश्चित है ये। 3 मिनट के अंदर हम जो जो गलतियां हैं जीवन में वो सब भूल जाते हैं, जो जो हमारे दोष हैं उनको भी हम याद रख के इन गानों की गंगा जल में उनको बहा आते हैं। हे गंगा मैया, हमसे कुछ गलती हुई है तो माफ कर, ये तीर्थ यात्रा है एक तरह की, सच कह रहा हूँ। इन गानों की शरण में जाइए, इन गानों को दोहराइए, खूब गाइए, सुनिए, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो न सुने, मालूम है नहीं सुनेंगे, मेरे यहाँ भी नहीं सुनते हैं, पर न सुने तो वो तो मीका को सुनने वाले ही हैं, और वो उनकी अलग तरह की पसंद की है, और उनके पास में टाइम भी नहीं है सुनने का। दरअसल हम लोग देखिए पिछले 4 घंटे से बैठे हैं, हम लोग 7:15 बजे हमने शुरू किया मेरे ख्याल से, और अब 11:30, 11:25 हो गए हैं। तो मतलब आज पूरे इस 40 लाख की आबादी में हम 40 ही फालतू बचे हैं, आप देखिए। लेकिन ये फालतूपना अच्छा है जीवन का, ये फालतूपना बड़ा काम का है। ऐसा पागलपन जिंदगी में पाल कर रखिए, सिर्फ ये सोचिए कि सिर्फ कारोबार से, सिर्फ जॉब से, सिर्फ IPO से, सिर्फ बड़ी बड़ी बाईपास के ऊपर बड़े बड़े प्लॉट्स ले लेने से, कॉलोनियों के अंदर एक प्लॉट एक ले लिया अभी और बोले हो जाएगा बाद में, नहीं नहीं, मन का वैभव बढ़ाइए भाई। इसकी जो प्रीमियम मिलती है उसका क्या तुलना हो सकती है। इस दौलत को बढ़ाइए, इसी को आप जब जाएंगे, जब मैं सीनियर सिटीजन क्लब में आ गया हूँ, तो मुझे लगता है कि ये वक्त कितना अच्छा ईश्वर तूने बिताया, इस संगीत के सहारे कितने गीतों को सुना, कितने गीतों पर बोलने का मौका मिला, कितने आप जैसे अच्छे सुनने वाले, कितने अच्छे गाने वाले, ये सब मिले हमको। अब हम मालूम नहीं ईश्वर कितने दिन खिदमत करवाए, लेकिन ये सब गाते रहे और आप सुनते रहेंगे। बस यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, शुरू करें। और इतने